लाहौर शहर, उसमें बसने वाला एक वैद्य। ऐतिहासिक घटना। लाहौर शहर, उसमें बसने वाला एक वैद्य डॉक्टर बहुत नाम है उसका। लिखा है कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई सुख ऐसा नहीं जो उसके पास नहीं। घर वाली कहना मानने वाली, घर में कोई क्लेश नहीं, बच्चे भी बड़े लायक हैं। डॉक्टर है, वैद्य है, लोग सत्कार करते हैं, अगर कहीं जाता है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ है जो एक आदमी के पास हो सकता है, हर सुख है, पर फिर भी मन को शांति नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो किसी ने रास्ता बताया वो अपनाया, खालीपन लगता है, कुछ शांति नहीं है मन को, सब कुछ होते हुए भी। जो जिसने बताया वो किया, विधियां अपनाई, पर मन शांत नहीं हो रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मित्र मिला जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अपने दिल का हाल बताया कि सब कुछ है मेरे पास, संसार में जो हो सकता है किसी के पास, पर फिर भी मन उदास है, शांति नहीं है मन में, कारण क्या है। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख कहने लगा, मैं तो नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु बता सकते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए तो चल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वैद्य चल पड़ा, प्रोग्राम बनाया और चल पड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए, मन को शांति मिली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। माथा टेका, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अपने मन की सारी व्यथा बताई कि पाछा मेरे पास सब कुछ है, पर मन शांत नहीं, खालीपन सा लगता है, उदासी सी लगती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, मन अशांत होने का, सब कुछ होने के बाद एक ही कारण होता है, एक ही कारण। ये सारा ज्ञान हमारे लिए है साथ संगत, ध्यान से गुरु मेहर करे, ध्यान से सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहां वचन किए, जब तक किसी के लिए बुरा सोचेंगे मन शांत नहीं हो सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गंभीर हो गया, चुप हो गया। वो वैद्य कहने लगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सवाल किया, क्या कुछ और भी करते हो मन को शांत करने के लिए? कहने लगा, हाँ, अष्टांग योग करता हूं, उसमें मैंने सिद्धि प्राप्त की है। अष्टांग योग, एक ऋषि हुए पतंजलि ऋषि, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन्होंने इस योग को क्रिएट किया था, जिन्होंने इस योग को खोजा था। इस योग में जाते ही आदमी शून्य में चला जाता है, जो ये योग सीख ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि तूने अष्टांग योग को सिद्ध किया है तो इसमें क्या होता है, तुझे क्या अनुभव हुआ इसमें? कहने लगा, जब मैं योग साधना करता हूं तो समाधि में लीन हो जाता हूं, समाधि में जब तक लीन रहता हूं तब तक तो मन शांत है, पर जैसे समाधि से उठा मन फिर वैसा का वैसा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका लाभ है इस योग का, पर तब तक जब तक समाधि में लीन है। यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए साथ संगत जी, कहने लगे, पहाड़ों में 5-5 हजार सालों से सिद्ध बैठे हैं, 5-5 हजार उम्र साल उम्र है जिनकी, श्वास चढ़ाकर बैठे हैं। संतोखा ऋषि लाखों साल तक, युगों तक धरती में दबा रहा श्वास ऊपर चढ़ाकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस योग में जब तक साधना में है, समाधि में, तब तक शांति है, क्योंकि सुन हो गया, ब्लैंक हो गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई फुरना नहीं रहता,
पर जैसे ही समाधि खुली फिर वही दुनिया वही ख्याल प्यार से बोली अदान गुरु नानक। तो वैद्य कहने लगा इसलिए तो आपके पास आया हूं, समाधि में होने के बावजूद भी मन को चैन नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फिर से वही सवाल दोहराया, किसी का बुरा तो नहीं किया, प्यार से बोली अदान गुरु नानक। वैद्य कहने लगा नहीं मैंने किसी का बुरा नहीं किया। यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ज्ञान दिया कि एक इंसान दूसरे इंसान के पांच तरह से हानि कर सकता है, प्यार से बोली अदान गुरु नानक, पांच तरह से हानि कर सकता है जिसका हमें ज्ञान भी नहीं, पांच तरह से। एक बौद्धिक तल पर, मांत्रिक तल पर, बौद्धिक मांत्रिक शारीरिक, पांच तरह के लिखे हुए हैं, मानसिक मांत्रिक बौद्धिक वाचक शारीरिक। इसको ध्यान से समझेगा, मानसिक किसी के बारे में बुरा सोचते रहना, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक, चाहे हाथ से नहीं कर रहा पर सोच रहा है किसी के बारे में बुरा। कहते हैं ये भी जब तक ये है मन में किसी का बुरा हो जाए किसी का भी, तब तक मन शांत नहीं हो सकता, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। दूसरा मांत्रिक, किसी मंत्र की सिद्धि कर ली, अब उस मंत्र की सहायता से किसी ने किसी का बुरा कर रहा है, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। ये हो गई मांत्रिक, किसी के बारे का बुरा करना किसी का। तीसरा बौद्धिक, बौद्धिक तल पर आज के जमाने में सबसे ज्यादा बुराई होती है। बौद्धिक किसे कहते हैं, ज्ञान हो गया, अब ज्ञान से दूसरों की बुराई करना, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक, ऐसी किताबें लिखना, ऐसे वचन निकालने मुंह से, आजकल तो मीडिया हर एक के पास है, कुछ भी बोल के डाल दे, लोगों को भटका देना। बौद्धिक तल पर इंटेलेक्चुअल है पर उसका काम क्या है, लोगों को भटकाना, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक, इसमें खुशी मिलती है उसे, उसे कौन हम, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि बौद्धिक तल पर किसी का बुरा करना, पांच तरह के बुरा कर सकते हैं एक आदमी दूसरे का, मानसिक मांत्रिक बौद्धिक वाचक बोलकर, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। किसी को हर्ट कर ऐसे लफ्ज बोलने किसी का दिल दुख जाए, किसी का बुरा हो गया। और शारीरिक हाथ उठाना, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ वचन किए जब तक ये पांच तरहों में से एक भी बुरा हो रहा है किसी से, ध्यान देना साथ संगत जी, ये हमारे लिए बहुत विशेष है आज। अगर हम हाथ से बुरा नहीं करते मन से तो सोचते ही हैं, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। मानो ये चारों हम नहीं करते हैं, वाचक भी नहीं करते हैं, बौद्धिक भी नहीं करते, मांत्रिक भी नहीं करते, शारीरिक भी नहीं करते, मानसिक तो हर कोई करता है, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। वाचक भी हर कोई करता है, बोलकर तो करता ही है, मानसिक तो हर कोई करता है। मानसिक अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। वाणी कहती है जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चल नाही चित, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। तेरा चित एकाग्र चित हो ही नहीं सकेगा जब तक तेरे मन में कोई मित्र है कोई शत्रु है, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। यहां पर वैद्य ने सवाल किया, पाछा ठीक है मानता हूं मैंने शारीरिक तल पर किसी का बुरा नहीं किया, मांत्रिक तल पर नहीं किया, बौद्धिक तल पर नहीं किया, हो सकता है मानसिक तल पर किया हो, मैं सोचता हूं किसी का बुरा, अब इससे छुटकारा कैसे पाऊं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि इसी में ही दवाई है, जो बात है इसी में ही है। नाम जप कर, नाम जप जप कर इन पांचों पर काबू पाया जा सकता है, पांचों तरह की सोच पर, ध्यान देना साथ संगत जी। हमें बीमारी का पता चल गया, अभी यहां पर दवाई बता रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कहते हैं नाम जब जपेंगे, नाम जप जप कर ये मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है, किसी का बुरा सोचना मन बंद कर देता है, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। उसके बाद जब ये पांचों तरह के बुराई हमारे अंदर से निकल जाती है किसी के प्रति, उसके बाद जब नाम जपा जाता है तो मन शांत हो जाता है, प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। बात को ध्यान से पकड़ना, अगर पकड़ में ना आई तो एक बार वापस दास बता दे, पहले नाम जपेंगे तो ये पांचों बुराई हमारे अंदर से निकलेंगी, पांच तरह के जो हम हिंसा करते हैं, पांच तरह की हिंसा है ये, पांचों तरह की हिंसा नाम जपने से हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी, और जिस दिन ये खत्म हुई उसके बाद जब नाम जपा मन शांत हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए सात संगत जी, गुरु ने कृपा की हमें इस रास्ते पे चलाया है,
इसे कहते परमार्थ का रास्ता, जहाँ पे हम बैठे हैं। प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। दुनियावी रास्ता जहाँ खत्म होता है, परमार्थ का शुरू होता है। ये बातें दास इसलिए बता रहे हैं, अभी आगे चल के हमारे आगे ये सब आएंगी, ये बातें, ये एक एक पड़ाव है जो हमें तंग करेगा। हमें ज्ञान होना चाहिए इसे पार कैसे पाना है। प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। जिन लोगों को शौक है परमार्थ के राह पे आगे बढ़ने का, उनके लिए ये बातें अनमोल है, अनमोल। फिर सवाल मन में नहीं उठेगा, पहले ज्ञान होगा, सवाल का जवाब सामने होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वाणी की पंक्तियां जो पढ़ रहे हैं, मन अपने थे बुरा मिटाना, अपने मन से बुराई निकाल दे। हर एक किसी के लिए भी मन में बुराई मत रख। पेख है सगल सृष्टि साजना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब अपने लगे, कोई भी पराया ना लगे, बुराई निकल जाए मन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांच तरह की हिंसाओं में सबसे श्रेष्ठ है मानसिक हिंसा, क्योंकि आदमी को पता भी नहीं चलता कब कर बैठा। वो वैद्य कहता है मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी सोचते हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर अगर ध्यान से वाचेंगे मन ही मन में कितनों का बुरा कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे दुनियावी तल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ते हैं ना, नाम सिमरन में मन नहीं लगता। हम अक्सर सवाल पूछते हैं मन नहीं लगता। ये सारी बातें हैं, ये कड़ियां हैं, एक एक पे काबू करते जाएंगे मन लगता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब नोट कीजिए, जब किसी से झगड़ा हुआ हो, मन कल्पना कलेश में हो, मन नहीं लगता सिमरन में। मन कब लगता है? जब मन शांत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन में किसी की बुराई चल रही है कि फलाने का बुरा हो जाए, फलाने का बुरा करना है, फलाने का ऐसा हो जाए, मन नहीं जुड़ेगा नाम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।